उन पुण्यात्मा इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बनया पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस बहो, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्मा ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर, अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होगी, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें, और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की कि अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझा जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं कबीर, बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पै बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दर है थी इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे, बड़े बड़े घरों की बहु बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पड़दर थी और डोढ़ी लगे थी बार,
बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे और गात उघाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर, नकबे सर नकबे बनी वो पहरे थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया और सुन साहेब के खेत। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे, विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, नीवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण, और जब यू कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब यू तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सुती आत्मा को जगाया करते थे, जगह जगह खड़े होकर, और आत्मा इतनी अचेत कर रखी इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।